हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्स ऐप पर अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्विटर ऐप और एक्स ऐप सेम ही है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है बस, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं एक्स ऐप पर। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आ जाना है और सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक्स ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसे इंस्टॉल कर लेना है। अब दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको अपने एक्स ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने एक्स ऐप को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, एक्स ऐप ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपरी ऊपर लोगो दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, हमें एक अपना नया अकाउंट बनाना है, इसके लिए आपको इसी लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने इस लोगो पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों, लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हमें एक अकाउंट बनाना है, तो दोस्तों आपको इसीलिए इस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, फिर से आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है क्रिएट अकाउंट पर, क्योंकि हमें एक नया अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दिया है। फिर दोस्तों, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन है नेम और सेकंड वाला ऑप्शन है आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं और अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। थर्ड वाला ऑप्शन है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में अपना नाम रख देता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपको वही नाम रखना है जिस नाम से आप अपना एक्स अकाउंट बनाना चाहते हो, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना नाम भी रख दिया है और अपना मोबाइल नंबर भी रख दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ भी लगा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको भी कुछ इसी प्रकार अपना सेट कर लेना है, तीनों ऑप्शनों को फिल कर लेना है। अब दोस्तों, फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने जो भी अपना नाम लिखा था, मोबाइल नंबर लगाए थे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया था, वह सब आपके सामने यहाँ शो हो जाएंगे। अब दोस्तों, शो होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे नीचे सिंग अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, सिंग अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिक, ठीक है, आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने ऑथेंटिक पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों, ऑथेंटिक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इसे मतलब ये सेट करना है, आपको इस प्रकार सेट करना है इसे, आप जिस भी तरफ ये अंगुली कर रहा है उसी तरफ आपको इस एनिमल का मुंह कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर पढ़ भी सकते हो, यूज़ द एरो टू रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड, ठीक है। मतलब जिस प्रकार जिस भी साइड में इसका हैंड है उसी साइड में आपको इसका मुंह कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप साइड में लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस साइड में इसकी अंगुली हो रही है, ठीक है। तो इसका मुंह भी मेरे को इस साइड में करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस एरो वाले बटन पर क्लिक करना है और इसे इस तरह रोटेट कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप साइड में लाइव प्रूफ देख सकते हैं, इसी साइड में इसकी अंगुली हो रही है और इसी साइड में इसका मुंह हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, ये फिल करने के बाद, ये सेट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको फिर से ये ऑप्शन दिखाई देगा, आपको तीन बार इसे फिल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस साइड में आगे साइड में इसकी अंगुली हो रही है, ठीक है। तो आपको इसका मुंह भी इस साइड में करना होगा। तो इसके लिए आपको इस वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी अंगुली भी इस साइड है और इसका मुंह भी इस साइड है, ठीक है। अब दोस्तों, इसकी अंगुली और इसका मुंह सेम टू सेम होने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा फिर से, ठीक है। मतलब आपको तीन बार इसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे फिर से रोटेट कर देना है, कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, अंगुली भी इस साइड आ रही है और इसका मुंह भी इस साइड आ रहा है, ठीक है। अब ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। जो भी यहाँ पर फिल करना था, सेलेक्ट करना था, वो कंफर्म हो चुका है। अब कंफर्म होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई फोन नंबर। अब हमें अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करने होंगे। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर आप अपने अकाउंट में लगाए थे उस पर ओटीपी आ जाएगा और अपने आप फिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ओटीपी अपने आप फिल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पासवर्ड लगाने होंगे अपने एक्स अकाउंट के। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एक्स अकाउंट के पासवर्ड यहाँ पर थोड़े हार्ड लगा देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं कुछ भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने एक्स अकाउंट के पासवर्ड लगा दिया। आप भी अपने एक्स अकाउंट के पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिक ये प्रोफाइल पिक्चर है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल लगाना है, जो भी प्रोफाइल लगाना चाहते हो, जो भी फोटो लगाना चाहते हो, उसके लिए आपको अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टैग के फोटो पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप चूज ये फोटो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप जो भी फोटो लगाना चाहते हो वह यहाँ से फिल कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इसे सेट कर लेना है कुछ इस प्रकार, ठीक है। फिर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना बायो लिखना है, अपने बारे में लिखना है यहाँ पर, तो आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पर फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे स्किप करना चाहता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी यूजर नेम आईडी लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक फिल हो गया है तो मैं इसे रखना चाहता हूँ, ठीक है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, तो दोस्तों मैं इसे चेंज नहीं करना चाहता, यही यूजर नेम आईडी रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट पर फिर से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अलाउ वाले बटन पर भी क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों अलाउ वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप किस लैंग्वेज में यहाँ पर अपने अकाउंट में रखना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश रखना चाहता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पॉपुलर अकाउंट शो होंगे, तो उन्हें आप फॉलो भी कर सकते हो। तो यहाँ अभी के लिए मैं एक दो अकाउंट को फॉलो कर लिया हूँ। फिर दोस्तों फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक्स अकाउंट पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एक्स अकाउंट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने लोगो पर क्लिक करूँ और दोस्तों यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक्स अकाउंट बन चुका है, ठीक है। मतलब दोस्तों हमारा ट्विटर अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ से आप दोस्तों किसी को सर्च भी कर सकते हो और अपनी पोस्ट भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एक्स अकाउंट बनाना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।